ब्रह्मास्त्र भाई ऐसे 4-5 दिन बाद आने वाली है और ये बॉलीवुड वाले भाई उंगली करना छोड़ ही नहीं रहे। एक मूवी आ रही है ब्रह्मास्त्र जो कि थोड़ी बहुत अगर चल गई तो इन बॉलीवुड वालों का थोड़ा सा घर बार वापस बस जाएगा, मगर भाई इनको यहाँ पर भी पंगे करने से राशि नहीं आ रही। देखो ब्रह्मास्त्र के लिए मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं खुद इस मूवी को देखने वाला हूँ क्योंकि मेरे को एपिसोड तो बनाना है फालतू थ्योरी का। मगर राइट नाउ सबसे बड़ा जो टॉपिक चल रहा है वो कि भाई ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा बहस चल रही है। आधे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं देख के आएंगे। भाई इंडिया की सबसे पहली सुपर मूवी बन रही है, वी शुड गो एंड विटनेस इट बिकॉज दिस वुड बी द फर्स्ट सिनेमैटिक वर्स ऑफ इंडिया जिसमें यार सुपर हीरोज की मूवीज आएगी, तो सब लोग एक्साइटेड भी है इसको लेके। मगर क्या तुम्हें एक्चुअल में इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो ये मूवी 2 या 3 दिन में आने वाली है और ये ब्रह्मास्त्र के जो मेकर्स है भाई इनको चुली नहीं रुक रही भाई। इन लोग की अयान मुखर्जी जो कि डायरेक्टर है भाई इस मूवी का, इसने एक बड़ा सा पोस्ट लगा दिया इंस्टाग्राम के ऊपर जहां पर इसने कहा कि भाई ब्रह्मास्त्र पहले ड्रैगन होने वाली थी और जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का रणबीर कपूर उसका नाम एक्चुअली जलाउद्दीन रूमी होने वाला था, 13th century का पर्शियन पोएट और इसके नाम पे ये बंदे का मेन कैरेक्टर होने वाला था। बट बाद में जब इन लोग को मालूम पड़ा कि भाई कैसे अभी हिंदुइज्म के ऊपर जो मूवी बना रहे तो भाई लोग है ना से बढ़ चढ़ के जा रहे हैं, तो भाई नाम चेंज करने में फायदा है, इसलिए भाई ड्रैगन बन गया आपका ब्रह्मास्त्र और रूमी बन गया भाई आपका शिवा। अच्छा दूसरी बात, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है रणबीर कपूर अपना शिवा, उसका भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पहले का जिसमें भाई बंदा कहता है कि भाई मैं तो बीफ बहुत पसंद करता हूं। हाँ तो भाई अगर तुम हिंदुइज्म के ऊपर मूवी बना रहे हो जो कि भाई हिंदुइज्म कल्चर के ऊपर बेस है, राइट, तुमने खुद कहा कि अस्त्रावर्स एंशिएंट हिंदू कल्चर के ऊपर बेस मूवी है, तो भाई तब अगर ऐसा कुछ क्लिप वायरल होता है तो भाई बहुत सारे लोग जज करेंगे, कहेंगे साला बीफ खा रहा है और फिर मूवी में मेन कैरेक्टर बन रहा है वो भी भगवान के नाम से। तो ऐसा ही अभी भी हो रहा है कि भाई लोग खुला ऑफेंड हो रहे हैं इस चीज के ऊपर कि भाई क्या सीन है भाई, ये तो सही नहीं जम रहा, इसको हटाओ भाई। और तीसरा चीज भाई, इनका ईगो, आर्या भट्ट भी उसी करीना कपूर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकली है। आर्या भट्ट ने भी भाई एक इंटरव्यू के अंदर क्या कहा तुम खुद सुनो। And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help. तो भाई देखो ये सारे तो ना एक बॉयकॉट टीम लगी जो कि भाई बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के लिए बैठी है भाई। उनका मेन मोटिव ये है कि भाई खत्म कर दो बॉलीवुड को, जो कि वो लोग कर भी रहे हैं भाई, पिछले मूवीज का हाल देख लो तो भाई वो खत्म करने में पूरा दिमाग लगा रहे हैं अपना। मगर इन एक्टरों की हरकतें देख लो भाई, खुलेआम कह रहे हैं ऑडियंस को भाई तुम्हें देखना तो देखो वरना अपनी ऐसी की तैसी कराओ। हम लोग ना हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना बॉयकॉट के से बॉयकॉट तापसी बॉयकॉट दोबारा। तो भाई अगर ऐसा करोगे तो आज के टाइम पे तो भाई ऑडियंस, पहले एक्टर बड़ा था ऑडियंस छोटी थी, अब ऑडियंस बड़ी है जो कि एक्चुअली में बड़ी थी ऑडियंस, बट अब ऑडियंस बड़ी और एक्टर छोटा हो गया है, तो इन लोग को समझना भाई बहुत जरूरी है कि भाई ये सीन तो इनका बिगाड़ देगा। अच्छा एक और चीज, वो जो मैंने रूमी वाली बात कही थी ना, इस मूवी के अंदर भगवान शिव के ऊपर भी बहुत सारे गाने जो कि बहुत बढ़िया भाई, बॉलीवुड फाइनली भगवानों के ऊपर गाने निकाल रहा है। मगर अगर तुम गौर से देखो ना भाई तो उन गानों को चेंज किया गया है भाई, मतलब जो देवा देवा सॉन्ग है वो एक्चुअली देवा नहीं होने वाला था। अगर तुम लोग उसकी गौर से लिरिक्स चेक करो ना तो वहां फना नाम यूज किया गया है, वहां पर और भी ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि एक्चुअली में रूमी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थे पूरे के पूरे। और जो मेन रामायण वाला सॉन्ग आता है वहां पर भी भाई सूफियाना नाम का वर्ड को यूज किया गया है, तो इससे मालूम पड़ता है कि भाई ये लोग किस बेस पे मूवी बना रहे थे पहले ये लोग, कि पहले इनका पूरा प्लान पर्शियन बेस पे बनाने का था इनका पूरा इस मूवी को, बट जब समझ में आया कि भाई अभी इससे फायदा नहीं होगा तो इन लोगों ने भाई पूरा का पूरा इसको हिंदुइज्म कल्चर के ऊपर कर दिया। हरामी हो बेटा। अच्छा एक और चीज, ये वाली चीज फनी होने वाली है, बट ये जो है भाई केआरके को भाई जेल के अंदर डाल दिया है भाई। केआरके को एक ट्वीट के लिए जेल में डाला गया जो कि भाई इसने ऋषि कपूर के ऊपर कहा था आज से 2 साल पहले, और फिर अभी जब ब्रह्मास्त्र आ रही है तो भाई तभी उसको जेल के अंदर डाल दिया कि भाई तू अंदर रह साले। मगर क्यों तू बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है हमारी पिक्चर के बारे में, तो पिक्चर बर्बाद कर देगा हमारी, तू जेल में रह साले, तू वही डिजर्व करता है। इसलिए भाई केआरके को जेल में डाल दिया, वो भी सही टाइम पे कि भाई वो मूवी के बारे में उल्टा ना बोल सके। और केआरके का भाई देखो ऐसा हो चुका कि भाई वो एक्टर तो बहुत गंदा है ये तो मान लो। ये क्या है, अरे वॉचमैन की नौकरी छोड़कर अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है क्या? मगर देखो जितनी भी भाई वो बॉलीवुड मूवी के रिव्यूज दे रहा है भाई वो एक्चुअली सही हो रहे हैं लोगों के हिसाब से। उसने लाइगर के ऊपर रिव्यू दिया, लोग लाइगर देखने के लिए नहीं गए। उसने कुछ और मूवीज के ऊपर रिव्यू दिया तो भाई लोग वो भी नहीं देखने गए। अगर आप लोग आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर आप शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन यार आप अर्जुन कपूर जैसे सुपर डुपर महा फ्लॉप हीरो की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? तो एक्चुअली थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई ये लोगों के, भाई तुम मूवी देखने मत जाओ और लोग नहीं जा रहे देखने को। तो यहाँ पर भी भाई थोड़ा सीन लगा हुआ ब्रह्मास्त्र वालों की भाई इसको अंदर रखने में फायदा है, तो ये फालतू बोलेगा और हमारी पिक्चर को तो ये फ्लॉप करवा देगा, इसलिए भाई सही टाइम पे इसको अंदर डलवा दिया। तो ये भी एक मेरे हिसाब से कारण है।
मगर अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई कॉमन भाई क्या आप ये मूवी देखने जाओगे, क्या हमें इसको बॉयकॉट करना चाहिए, तो भाई मैं जाऊंगा इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि भाई इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों ने इस मूवी को सपोर्ट नहीं किया तो भाई देखो दो रस्ते हैं। जो लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं ना, वो लोग इस बात को सुनो कि भाई अगर तुमने इस मूवी को सपोर्ट नहीं किया ना भाई, तो लोग हिंदुइज्म के ऊपर मूवी बनाएंगे ही नहीं। ये जो बॉलीवुड वाले लोग हैं ना, ये लोग समझ जाएंगे कि भाई इसके ऊपर पैसा नहीं आ रहा। मगर अगर इस मूवी के ऊपर पैसा आ गया बहुत सारा, तो इन लोग को समझ में आया कि भाई यार हिंदुइज्म वाले टॉपिक के ऊपर पैसा आ रहा है। अगर हम लोग भारतीय कल्चर को सही तरीके से दिखा रहे हैं तो भाई लोग आ रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, तो ये लोग फिर एक्चुअली और ऐसी मूवीज बनाएंगे। उसके अलावा एक और चीज भाई जिसके लिए सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो है कि भाई अगर ये मूवी निकलती है और अगर ये मूवी बड़ी बन जाती है, तो शायद इसके बाद और भी बड़ी बड़ी सुपर हीरो मूवी आए जिनके भाई 500, 600 करोड़ रुपए का वो हो अपना बजट हो, तो ये मूवी भाई पहली मूवी बन सकती है भाई। एक 17 वर्ष लेके आ रही है भाई मार्वल और डीसी ऐसी, तो भाई इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर इसको आज सपोर्ट नहीं किया तो भाई हम लोग मान के चलो कि भाई 10 साल पीछे निकल जाएंगे अपने सुपर हीरो मूवी वाले चीज के अंदर। 10 साल तक फिर तुम कोई भी अच्छी मूवी सोचना ही मत। अगर ये मूवी चली तो भाई और भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर रिस्क लेंगे कि भाई हमें ऐसी मूवी बनानी चाहिए, तो वो लोग बना के दिखाएंगे लोग को, और वो शायद एक्चुअली हमारे इंडियन सिनेमा को ना सिर्फ बड़ा बना दे भाई। ये मूवी इस मूवी को भाई फॉरेन में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिज्नी भाई इसका इंटरनेशनल बन चुका है प्रमोटर, तो भाई वो 20th सेंचुरी फॉक्स पे दिखा रहा है। रोटन टोमेटोस पे भाई इसका ट्रेलर आ गया, भाई कहीं और पे नहीं आया बट वहां पर इसका ट्रेलर आ गया, और मैं फॉलो कर रहा हूं भाई इस मूवी को बहुत ज्यादा। और उसके अलावा राजमौली ने भी भाई जो अपने राजमौली सर है उन्होंने, वो इतने बढ़िया डायरेक्टर है भाई, उन्होंने भी इस मूवी की तारीफ की भाई ये बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। तो मेरे ख्याल से भाई सपोर्ट करना बनता है भाई। देखो 50-50 चांसेस है भाई, अगर लोग सपोर्ट अगर चले भी गए कि सुपर हीरो मूवी है और वहां पर अगर इन लोगों ने स्टोरी में हक दिया भाई, वहां पर मूवी के अंदर अगर इन लोगों ने हक दिया ना भाई, तो भाई लोग तो वैसे ही मूवी की तो आजकल बहुत मानते हैं। अगर किसी ने कहा भाई बेकार पिक्चर मत देखने जाओ, तो लोग एक्चुअली घर पे बैठ जाते हैं मूवी को नहीं देखते हैं, तो भाई अगर यहाँ पर मेरा सीन हो गया ना तो भाई लग जाएंगे इनको। अगर स्टोरी अच्छी हुई और अगर सब कुछ अच्छा हुआ जैसे लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, बिकॉज ट्रेलर तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है भाई, तो अगर वैसा कुछ हुआ मजा आ जाएगा भाई। मतलब पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा अपना भी सुपर हीरो का, तो दैट वुड बी डोप। और इसका शक्तिमान भी आ रही है भाई, तो यू नो लाइक मजा आएगा भाई। लोग जितने भी सुपर हीरोज के फैन है भाई, उनके तो मजे होने वाले हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तुम बताना मुझे कमेंट करना कि भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे चीज के ऊपर, क्या तुम लोग इस मूवी को देखने जाओगे या फिर नहीं जाओगे, कमेंट करना बताना मुझे। और टेंशन मत लो भाई, नेक्स्ट वीडियो ब्रह्मास्त्र के ऊपर आ जाएगा, जो कि भाई फनी भी होगा, फालतू तरीके का एपिसोड होने वाला है। ये तो भाई मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि भाई तुम्हें पता है बॉयकॉट वगैरह चलो, मैंने ट्रेंड में हाथ डाल देते, मगर भाई फालतू थ्योरी के एपिसोड का वेट करो, वो बहुत फनी होने वाला है। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ जाओ भाई @commandosraj, वहां पर हम लोग बातें करेंगे और रील्स भी डालता हूँ भाई बढ़िया, तो आ जाओ भाई इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। और मुझे अब जीने की कोई पापी दुनिया में कोई अपना नहीं, जी रहा हूं कोई देने वाला सारा नहीं, तू ही मेरा इकलौता महादेव, अर्जी मेरी सुन ले थोड़ी सी सही, मेरे शंभू बोले मैंने तुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, बोले मेरे शंभू सर पे तेरे गंगा विराजे, मुझे किसी ने अपनाया नहीं, गोरा बांध रगड़ के बोली तेरे साधे भूतों की टोली, मेरे शंभू मेरे शंभू, रोता कोई आया तेरे पास तूने अर्जी उसकी सुन ली, मेरे शंभू गोरा बांधगढ़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली, मेरे शंभू वो भोले बाबा आया तेरे दर पे तू मेरी अर्जी भी सुन ले, मेरे शंभू।